हेलो दोस्तों, दिस इज अजय बंसल एंड एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपना कॉमर्स स्कूल में। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मार्केट एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स में क्या डिफरेंस है। इसी डिफरेंस को समझने के लिए, साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है उसको समझने के लिए हम इस वीडियो में आए हैं, क्योंकि 17 तारीख को, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, एक बोर्ड का एग्जाम होने वाला है बिजनेस स्टडी का, तो इसमें बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और होती हैं, तो उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग इस वीडियो को लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की, कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। फाइनेंशियल मार्केट एक प्लेस है जो लिंक प्रोवाइड कराता है सेवर्स एंड बॉयर्स के बीच में, मतलब की एक ऐसी जगह जहां पे दो लोग आके मिलते हैं। कौन? सेवर्स एंड बॉयर्स। सेवर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स होते हैं। सेवर्स कौन होते हैं? सरप्लस यूनिट्स होते हैं। सेवर्स कौन होते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर्स होते हैं, जिनके पास पैसा फालतू होता है और वो अपना पैसा कहीं लगाना चाहते हैं। एंड बॉयर्स कौन होते हैं? लैंडर्स होते हैं। इनको हम डेफिसिट यूनिट एंड बिजनेस फर्म्स के नाम से जानते हैं, इनको पैसे की जरूरत होती है। तो फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स आके मिलते हैं। सेवर्स अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बॉरोअर्स उस पैसे को उधार लेते हैं, बॉरो करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट में अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बैंक्स इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल मार्केट का एक लिंक पे है बिटवीन सेवर्स एंड बॉरोअर्स के बीच में। टाइप ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम आपसे बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके का होता है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट क्या होता है? लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म लोन एंड मीडियम टर्म लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। शॉर्ट टर्म लोन्स मतलब 12 मंथ्स तक के लोन्स, 1 ईयर तक के जो लोन्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती है उसकी कंडीशन होते हैं मनी मार्केट में। एंड कैपिटल मार्केट में मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटीज के कंडीशन किए जाते हैं। इसमें मीडियम टर्म में अगर हम बात करें तो 1 to 5 years काउंट किया जाता है, एंड अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो उसमें मोर देन 5 years के ट्रांजेक्शन को इंक्लूड किया जाता है। अच्छा, कैपिटल मार्केट को फर्दर टू पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मार्केट एंड सिक्योरिटी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है? जहां पे फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज इशू होती है वो आपका प्राइमरी मार्केट कहलाता है। एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जहां पे ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज का सेल एंड परचेज होता है, रीसेल एंड रीपरचेज ऑफ सिक्योरिटीज जहां पे होता है वो आपका सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। एंड स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। तो चलिए, ये तो बात है फाइनेंशियल मार्केट की। फाइनेंशियल मार्केट की एक डेफिनेशन है, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बोल रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट वेयर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस अकर, मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होते हैं वो क्या कहलाती है? फाइनेंशियल मार्केट कहलाती है। चलिए ठीक है, आगे लेसन में बैठ। अब बच्चे बात करते हैं व्हाट इज डिपॉजिटरी, व्हाट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। कुछ डिपॉजिटरी क्या होती है सबसे पहले इसको समझते हैं। तो डिपॉजिटरी के बारे में बोल रहे हैं, इट इज लाइक अ बैंक and keep securities in electronic form on behalf of investors. बच्चा जैसे कि बैंक हम लोगों के बिहाफ पे, अपने कस्टमर्स के बिहाफ पे हमारा पैसा बैंकों में सेफ रखती है, कस्टडी में रखती है, उसी तरीके से डिपॉजिटरी वर्क करती है। डिपॉजिटरी क्या होती है? बैंक की तरह एक इंस्टीट्यूशन होता है जो क्या करता है, सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पास रखता है। किसके बिहाफ पे? अपने इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे, ठीक है बच्चा। बोले इट इज इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी सिस्टम, हैव नो एनी पेपर वर्क एंड दे कैन एनी टाइम विदड्रॉन और सोल्ड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स। फिर से बोले डिपॉजिटरी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी सिस्टम, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक टेक्नोलॉजी है जो सिक्योरिटीज को स्टोरेज करने का काम करती है, जिसमें किसी भी तरीके का पेपर वर्क नहीं होता है। पेपर वर्क को खत्म करने के लिए डिजिटल फॉर्म में सिक्योरिटीज को सेव करने का काम किसका होता है? डिपॉजिटरी का होता है। और ये किसी भी टाइम अपने इन्वेस्टर्स के इंस्ट्रक्शंस पे सिक्योरिटीज को विथड्रॉ एंड सोल्ड कर सकते हैं, ठीक है बच्चा। इंडिया में दो तरीके की डिपॉजिटरीज है, NSDL एंड CDSL, ठीक है। इसके बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। NSDL क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या है? फर्स्ट लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है, प्रमोटेड एज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ IDBI, UTI एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। NSDL बच्चा फर्स्ट लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है इंडिया की, जो प्रमोट की जाती है इसके थ्रू IDBI, UTI एंड NSE के थ्रू प्रमोट की जाती है।
और सेकंड लार्जेस्ट डिपॉजिटरी या सेकंड डिपॉजिटरी की बात करें जो इंडिया में अभी ऑपरेट की जा रही है वो कौन सी सीडीएसएल, जिसकी परफॉर्मेंस सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। क्या परफॉर्मेंस? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, सेकंड डिपॉजिटरी प्रमोटेड बाय बीएसई एंड बैंक ऑफ इंडिया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड बैंक ऑफ इंडिया सीडीएसएल को प्रमोट करती है, एंड यूटीआई एनएससी एंड आईडीबीआई एंड एसबीआई को प्रमोट करती है। दोनों डिपॉजिटरीज इंडिया में ऑपरेट की जा रही है। तो डिपॉजिटरी क्या होती है? एक बैंक की तरह एक इंस्टीट्यूशन होता है जो हमारी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करने का काम करता है, और इन्वेस्टर्स के आपके सेल एंड परचेज का काम करता है। ठीक है बच्चों, आगे बात आती है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, डिपॉजिटरी पढ़ लिया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? इसमें बहुत डिफरेंस, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों के लिए, तो चलिए बच्चों इसकी भी बात कर लेते हैं। बोले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोथ, इसके बारे में क्या लिखा है? बोले बोथ डिपॉजिटरीज ऑपरेट थ्रू इंटरमीडियरीज कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? इंटरमीडियरीज होते हैं जो डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर के बीच में लिंक पिन का काम करते हैं। किसके बीच में? डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर्स के बीच में लिंक पिन का काम जो काम करते हैं वो कौन कहलाते हैं? डीपी कहलाते हैं। ठीक है, तो बोले डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में बोल रहे हैं, बोले बोथ डिपॉजिटरीज ऑपरेट थ्रू इंटरमीडियरीज कॉल्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हु इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड टू द डिपॉजिटरी एंड सर्व एज द कॉन्टेक्ट पॉइंट विद इन्वेस्टर्स एंड डिपॉजिटर। मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं? लिंक पिन, एक इंटरमीडियरी, एक कॉन्टेक्ट पॉइंट जो क्या करते हैं? डिपॉजिटरी एंड इंटर इन्वेस्टर्स को लिंक करते हैं, जो दोनों से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कनेक्ट होते हैं। ठीक है बच्चा, इसके बारे में आगे क्या लिखा हुआ है? अगर हम एग्जाम्पल की आपसे बात करें कि भाई डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, तो बोले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, बैंक हो गए, स्टॉक ब्रोकर्स हो गए, आपके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो गई, एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारी की सारी चीजें, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन एज अ डीपी वर्क कर सकते हैं। मतलब इन लोगों को अथॉरिटी दी गई है, जैसे कौन कौन? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, स्टॉक ब्रोकर्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ये एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स वर्क कर सकते हैं। तो बच्चा क्लियर हो गया व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स? बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट पढ़ लिया, लिंक पिन करते हैं, सेवर एंड बॉर्स के बीच में होते हैं। दो टाइप के फाइनेंशियल मार्केट होते हैं, कैपिटल कैपिटल एंड मनी मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन करता है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म सिक्योरिटीज का ट्रांजेक्शन करता है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज वन मोर देन लेस देन 12 मंथ्स या 12 मंथ्स तक की सिक्योरिटीज। कैपिटल मार्केट 5 इयर्स और 5 इयर्स से ज्यादा तक की सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन को हेल्ड करता है। प्राइमरी मार्केट कैपिटल मार्केट फर्दरली टू पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट न्यू शूज जहां पे होते हैं शेयर सिक्योरिटीज के, एट सेकेंडरी मार्केट जहां पे ऑलरेडी शूज सिक्योरिटीज की सेल एंड परचेज होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट का एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। तो इसके बाद हम बात करते हैं डिपॉजिटरी पार्ट्स फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन। मतलब एक ऐसी जगह जहां पे फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट अकर होते हैं वो आपकी क्या कहलाती है? फाइनेंशियल मार्केट कहलाती है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बारे में क्या बोला? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एक बैंक की तरह काम करते हैं जो आपकी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोरेज करने का काम करते हैं एंड अपने इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे सेल एंड परचेज कर देते हैं। ठीक है, दो तरीके के होते हैं डिपॉजिटरी, एनएसबीआई एंड सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। एनएसबीआई आईडीबीआई यूटीआई एनएससी के थ्रू प्रमोट की जाती है, एंड सीडीएसएल की अगर हम बात करें तो बीएसई एंड बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू प्रमोट की जाती है। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं? इंटरमीडियरीज होते हैं जो सेवर्स इन्वेस्टर्स को एंड डिपॉजिटरीज को कनेक्ट करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कनेक्ट करने का, इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट करने का पॉइंट काम जो करते हैं वो आपके क्या होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ये क्या होते हैं? कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं इन्वेस्टर्स एंड इसके बीच में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के बीच में। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, स्टॉक ब्रोकर्स, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आपके एज ए डीपी वर्क करते हैं। बच्चों होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए फिर से एक बार फिर से विश यू ऑल द बेस्ट। होप सो आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप कॉन्फिडेंट होकर वर्क करें। बच्चा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब भी आप कोई एग्जाम परफॉर्म करने वाले जा रहे होते हैं उस वक्त हम लोग का माइंड क्या हो जाता है? बिल्कुल सीज हो जाता है, काम करना बंद कर देता है।
वो होता है नर्वसनेस की वजह से। तो क्या एग्जाम देते वक्त हमें अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है? आप लोग तो बिजनेस मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, आपसे अच्छा मैनेजमेंट कौन कर सकता है? तो आप लोग को अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है, नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, और बहुत अच्छे से अपने पेपर को टाइम मैनेजमेंट के साथ कंप्लीट करना है। आप लोग बिल्कुल भी मत दौड़ाइएगा, आपको सब कुछ आता है, बस आप लोग क्या नर्वस हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन, थैंक यू सो मच।